हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज है डे सिक्सटी वन डेली फार्मा एमसीक्यू सी डोज सीरीज़ का जिसमें हम डेली के टेन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद वीकली एंड मंथली रिवीजन सो एवरी सैटरडे हम पूरे वीक में डिस्कस किए गए एम सी को रिवाइज करते हैं सो so, आज सैटरडे है एंड आज हम लास्ट वीक में डिस्कस किए गए फिफ्टी एम सी को रिवाइज़ करेंगे सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से तो so, पहला क्वेश्चन है सेचूरेटिड फैटी एसिड पेलमिटिक एसिड कंटेन्स डैश कार्बन एटम्स तो पेलमिटिक एसिड एक सेचूरेटेड फैटी एसिड है यानी कि इसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं तो so, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सिक्सटीन होते हैं सो so इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ एंथर्निल एसिड डेरिवेटिव एनर्जी इज सो तो एसिड डेरिवेटिव इनमें से मीफेनमिक एसिड है सो so इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज एज एंटी परसिपरेंट सो एंटी परसिपरेंट आपका एजेंट है अल्यूमिनियम क्लोरल हाइड्रेट सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टीरोल ऑब्जॉर्प्शन इनिवेटर स्टीरोल ऑब्जॉर्प्शन इनिवेटर कौन सा है सो इट इज एज सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अवॉन्टेड मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज सो अर्थ क्रस्ट का मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है सो इट इज़ अलूमिनियम ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बी सी एस क्लासिफिकेशन दैट इज बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम हाई सॉलिबिलिटी एंड लो परमिबिलिटी इज तो हाई सॉलिबिलिटी एंड लो परमिबिलिटी क्लास थ्री में रहती है तो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट सो क्लास वन में सॉलिबिलिटी एंड परमिबिलिटी दोनों हाई रहती हैं क्लास टू में सॉलीबिलिटी लो रहती है परमिबिलिटी हाई रहती है एंड क्लास फोर में सॉलिबिलिटी एंड परमिबिलिटी बोथ आर लो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट विंसेंट मैथड फॉर एडजस्टिंग द पी एच कम्स अंडर सो वाइट विंसेंट मैथड जो है वो टॉनिसिटी एडजस्टमेंट या पी एच एडजस्टमेंट का एक मैथड है एंड ये आपका क्लास टू मैथड्स में आता है तो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एट बेसिक पीएच द अमाइनो एसिड इज सो बेसिक पीएच पे अमाइनो एसिड जो है वो एनाइनिक फॉर्म में रहता है सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एसिडिक पी पे कीटाइनिक फॉर्म पे न्यूट्रल पी यानी कि फिजियोलॉजिकल पी पे विट्राइनिक फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगन डॉफ्स रिएजेंट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोलोइड्स केमिकली ड्रैगन डॉफ्स रिएजेंट इज तो ड्रैगन डॉफ रियजेंट जो है वो अल्कोलोइड्स की डिटेक्शन में यूज किया जाता है इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या रहती है तो ड्रैगन डॉफ रिएजेंट केमिकल इज पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक बफर इज अ कम्बिनेशन ऑफ सो बेसिक बफर जो है ये आपका कम्बिनेशन होता है बीक बेस एंड इट्स स्ट्रोंग कंजुगेट एसिड का तो so, इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट यहीं पे अगर एसिडिक बफर की बात आएगी तो दैट विल बी बीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रोंग कंजुगेट बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार फ्लास्क आर यूज इन सो so, दीवार फ्लास्क जो है वो आपकी फ्रीज ड्राइंग में यूज होती हैं जिसका प्रिंसिपल सब्लिमेशन रहता है सो so, इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मटीरियल इज टर्म बोन ड्राई इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड टू सो कोई भी मटीरियल है अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट जीरो मॉइस्चर तक रिड्यूस कर दिया जाए सो दैट मटीरियल इज टर्म्ड एज बोन ड्राई नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फेज टू ट्रायल फॉलोइंग नंबर ऑफ पेशेंट शुड बी स्टडीड फेज टू ट्रायल में अराउंड हंड्रेड से थ्री हंड्रेड या हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड पेशेंट को स्टडी किया जाता है तो so इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एच एल वी वैल्यू ऑफ आर सरफेक्टेंट बिटवीन थ्री टू एट इज यूज एज थ्री टू एट वैल्यू है अगर सरफेक्टेंट की सो दैट सरफेक्टेंट विल बी वाटर इल ऑयल इमोसिफाइंग एजेंट सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म यूज टू डिस फॉर्म यूज फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स बाय रिटेल अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी वन एंड एक्स एज सो फॉर्म आपका है लाइसेंस के लिए किसके लिए रिटेल में ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेल के लिए सेल करना है स्टॉक करना है एग्जीबिट करना है उन ड्रग्स के लिए जो कि आपके स्पेस अदर देन जो कि आपके स्पेसिफाइड हैं शेड्यूल सी सी वन और एक्स के अलावा सो so, उनके लिए जो फॉर्म आपका रिक्वायर्ड रहेगा दैट विल बी फॉर्म नंबर ट्वेंटी सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंटोलामाइन इज यूज टू ट्रीट सो so, फेंटोलामाइन जो है वो आपका चीज़ रिएक्शन में यूज किया जाता है सो ड्रग ऑफ चॉइस इन चीज रिएक्शन इज फैंटोलामाइन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एसमोलोहल इज अ सो एस्मोलोहल किस टाइप का ड्रग है यहाँ पे एस्मोलोहल रहेगा सो एस्मोलोहल इज अ कार्डियो कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल अप टू फिफ्टी बेड्स इज सो अप टू फिफ्टी बेड्स वाले हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं सो so, इसमें आपके थ्री फार्मासिस्ट जो हैं वो टू फिफ्टी बेड्स वाले हॉस्पिटल में रहेंगे सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेडिसिनल एजेंट विच स्टिमुलेट्स मेंस्ट्रुअल फ्लो इज तो एक ऐसा मेडिसिनल एजेंट जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को स्टिमुलेट करता है इंक्रीज करता है दैट एजेंट इज नोन एज इमेना गोगी सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडी टी एज डैश टाइप ऑफ एंटीडॉट सो ईडी टी एथलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड सो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल एंटीडॉट सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अडल्ट्रेटेड ड्रग्स कम संडर तो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स जो हैं वो आपके सेक्शन सेवनटीन ए के अंडर आते हैं तो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रिस्क्रिप्शन द टर्म पोस्ट सीवम इंडिकेट्स सो so, प्रिस्क्रिप्शन में जो टर्म पोस्ट सीवम रहती है दैट इंडिकेट्स आफ्टर मील्स सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इज सो सेलेजिल क्या है सो इट इज अ माओ बी इनहिबिटर सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रो वोल्फिया बिलोंग्स टू डैश फैमिली सो रो वोल्फिया की फैमिली रहती है एपोसाइनेसी सो so, इसमें आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इमिपिनम इज अ सो अमीपिनम एक ड्रग है सो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ देम इज फॉर कॉपर कॉपर पॉइजनिंग पॉइजनिंग सो के लिए कौन सा है इनमें से सो फॉर कॉपर पॉइजनिंग द एंटीडोट इज पेनी सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज सो बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन आपकी रहती है फीमर जो कि थाई थाईवन रहती है तो इसमें आपका ऑप्शन बी ऑप्शन डी इज करेक्ट बाकी इसमें ह्यूमरस जो है वो आपकी अपर बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन इन ड्राई हीट इज़ सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है तो मैकेनिज्म ऑफ स्टर्लाइजेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो कि आपका ग्लास ग्लासवेयर एंड पाउडर्स की स्टर्लाइजेशन में यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सेप्टेड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज सो ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू के बीच में जो क्लोजनेस रहती है वो आपकी क्या कहलाती है सो इट इज़ नोन एज एक्यूरेसी सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट सो जो आपकी मल्टीपल रीडिंग्स के बीच में क्लोजनेस रहती है वो आपकी रहती है प्रेसीजन नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिस्टा इज डैश टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म तो अरेस्टा जो है वो आपकी लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म रहती है तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है योहिम्बिन इज सो so योहिम्बिन जो है वो एक अल्फा ब्लॉकर है सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्डिहाइड अंडरगोज केनिजारो रिएक्शन कौन सा ऐसा अल्डिहाइड है जो कैनिजारो रिएक्शन में जाता है तो कैनिजारो रिएक्शन के अंडरगो ऐसा अल्टीहाइड जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होता है सो so ये आपका अल्टीहाइड रहता है सो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन इज रिलीज फ्रॉम सो so ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है सो so इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉन एज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी किस क्लॉटिंग फैक्टर को कहा जाता है सो इट इज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर नाइन सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इपेका कौन of, so इपेका इज एन ऑफ सो हैहा आपका यूज होता है एज एन एक्सपेक्टोरेंट एट लो डोजेज एंड हाई डोजेज पे एज एन एमेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज टू ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इज सो स्टेज टू ऑफ जनरल एनेस्थीसिया So, ये आपका रहता है एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट चार स्टेजेस होते हैं स्टेज वन आपका एनर्जेसिया स्टेज टू एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम स्टेज थ्री इज सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड स्टेज फोर इज मेडुलरी पैरालिसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोज फॉर फोर मंथ ओल्ड इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज ऑफ फोर फिफ्टी ठीक है फोर मंथ का ओल्ड इन्फेंट है इसमें डोज कैलकुलेट करनी है ड्रग की जिसमें एडल्ट डोज़ फोर फिफ्टी दी गई है तो इसमें आपका फ्राइड रूल जो है वो एप्लीकेबल रहेगा जो कहता है चाइल्ड डोज इज़ इक्वल टू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 फिफ्टी इन चाइल्ड डोज सिंपली आप वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे एज आपकी फोर मंथ्स है डोज आपकी अडल्ट डोज 450 फिफ्टी है यहाँ पे आप सब्सिट्यूट करेंगे सिंपल कैलकुलेशन है सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वेल्व एम जी सो इसमें आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन प्रोपर एंड वन टू रेफर एंड टू न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन है इट रेफर्स टू डाईक्लोरोलोरोन या आपके फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं तो so इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन इज सो मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन आपका रहता है ग्लुक यूरोनाइट कंजुगेशन तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट मोस्ट कॉमन फेज वन जो है वो आपका रहता है ऑक्सीडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट एसिडिक ड्रग्स ट्रू इज तो जो भी आपके एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो आपके बेस्ट ऑब्जॉर्व होते हैं एसिडिक मीडियम में यानी कि स्टमक में तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट द मेकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म इनमें से कौन सा नहीं है तो इसमें एल्यूट्रिएशन जो है इट इज़ नॉट द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन बेसिकली पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में यूज होता है तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट इम्पैक्ट इन नीशन फ्लूड एनर्जी मिल एंड वॉल मिल दोनों में ये इंपैक्ट इन नीशन दोनों प्रिंसिपल रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एम थ्री स्टेट दैट शेड्यूल एम थ्री किसके रिगार्डिंग रहता है

तो फ्रीज ड्राइंग जो है वो आपका वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस फेज टू गैस फेज मीन्स डायरेक्ट सोलिड से गैस फेज में कन्वर्जन इज सब्लिमेशन तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिनल इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन सो रेटिनल किसका अल्टरनेटिव नाम है सो रेटिनल इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन ए

तो ग्लूकोज की सिंथेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से इट इज़ नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन इज इज स्पाइरोनोलेक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट रहता है कैनरी नोन सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ सेल इज सो पावर हाउस ऑफ सेल कैसे कहा जाता है सो इट इज माइटोकोड्रिया

आप कमेंट में मेंशन कर देना आपके कितने जो हैं वो करेक्ट आंसर हुए हैं आउट ऑफ फिफ्टी सो दैट विल बी हेल्पफुल टू चेक योर ग्रोथ सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच